हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रॉपर्टी दस्तावेज में नाम कैसे बदले 2024 में क्या रूल है, पूरी जानकारी को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मैं बता दूं कि जमीन की रजिस्ट्री या किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जैसे बहुत से दस्तावेज होते हैं, दस्तावेजों में से कुछ त्रुटियां रह जाती है जिस वजह से आगे चलकर विवाद होने का खतरा बना रहता है। इस गलतियों को सुधार करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ता है जिससे हमारी समस्या का समाधान हो पाता है। कभी कभी तो प्रॉपर्टी के किसी दस्तावेज पर हर व्यक्ति का नाम गलत हो जाने पर सुधार कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति बहुत चिंतित और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में नाम कैसे बदले जाते हैं संबंधित स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी और जिसकी मदद से आप भी दस्तावेज के नाम बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जमीन रजिस्ट्री क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि जमीन रजिस्ट्री है क्या। तो किसी भी व्यक्ति के जमीन या प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करानी पड़ती, अर्थात जमीन बेचने वाले व्यक्ति के नाम से जगह पर खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर करने पड़ती है। इस प्रक्रिया को जमीन रजिस्ट्री कहते हैं। जमीन के बिना रजिस्ट्री के आप बेच नहीं सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। रजिस्ट्री के अर्थात प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति का नाम पर उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले व्यक्ति का नाम पर करना है। प्रॉपर्टी के कागजात में नाम कैसे बदले जानते हैं। यदि आपके जमीन या प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करते समय दस्तावेज में आपके नाम में कोई त्रुटि हुई है तो इस आर्टिकल को बताए गए इस वीडियो के माध्यम से बताए गए प्रक्रिया के द्वारा रजिस्ट्री को अपना नाम बदला करा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, संपूर्ण भारत में मुख्य रूप से रजिस्ट्री के नाम बदलने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। अगर आपके रजिस्ट्री में नाम बदलना है तो इस 3 प्रक्रिया के द्वारा रजिस्ट्री को अपना नाम बदला सकते हैं। सबसे पहला है शपथ पत्र तैयार करना, समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना, राजपत्र द्वारा अधिसूचना को प्राप्त करना। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद कार्यालय में जाकर अपने रजिस्ट्री के नाम बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा। इसके बाद दस्तावेज पर नाम बदलने के कारण की जांच की जाती है, क्या संपत्ति उस व्यक्ति की है या नहीं है। इन सभी प्रक्रियाओं को जांच करने के बाद उसके नाम को सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर कर दिया जाता है। उसके बाद उस दस्तावेज को नए मालिक को दे दिया जाता है। तो मैं बता दूं कि संपत्ति प्रॉपर्टी अगर आप कोई लिए है उसमें कोई नाम में त्रुटि हुई है तो यही सब प्रक्रियाओं को आप जो है प्रस्तुत करके आप अपने प्रॉपर्टी में नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।